बता दूंगा आपको इसके रिगार्डिंग जब भी आप पेलोवल्टो का इंटरव्यू दोगे आपसे ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं वो लोग वट इज दर्किटेक्चर ऑफ पेलोवल यदि आपको ये आर्किटेक्चर पता है इसका मतलब आपका इंटरव्यू का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन होता है यदि आप ये आंसर नहीं कर पाते तो बंदा समझ जाता कि आपको पैलोवल के बारे में नहीं पता तो हमें तो ये अच्छे से समझ लेना इसकी आर्किटेक्चर होता क्या तो क्वेश्चन पूछे या तो कि व्हाट इज पैलोवल टू आर्किटेक्चर या बोलेंगे कैन यू एक्सप्लेन दी थ्री आर्किटेक्चर ऑफ योर पैलोवल टू फायर तो पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए तो एसपी थ्री की फुल फॉर्म है सिंगल पास सॉफ्टवेयर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर ये फुल फॉर्म है तो अभी हम क्या करते हैं अभी कुछ चीजें समझते हैं इसमें जैसे आप ये एक डायग्राम है इस डायग्राम की हेल्प लेके मैं समझाऊंगा आपको तो अभी क्या करते हैं अभी हम समझेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या चीज है इसमें व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर तो यदि आप इस डायग्राम देख रहे हो पेलोवल्टू में दो प्लेन होते हैं मैंने भी आपको बताया था आपका ये एक प्लेन है जो होता है मैनेजमेंट प्लेन और आपका ये एक जो प्लेन है ये होता है डेटा प्लेन पेलोवल्टू में दो प्लेन हो गए पहले तो ये हार्डवेयर लेवल पे हैं राइट हार्डवेयर लेवल पे पेलोवल में दो प्लेन होते हैं मतलब हमने क्या किया पेलोवल्टू का जो एक बॉक्स था ये फिजिकल बॉक्स है मेरे पास इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ये मेरा पार्ट हो गया मैनेजमेंट प्लेन का ये मेरा पार्ट हो गया डेटा प्लेन का ये मेरे पास इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया अब इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है पेलोवल्टो तो ने क्या किया ये जो मैनेजमेंट प्लेन है ये आपका क्या करता है इसका काम क्या है तो आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको पैलोवल्टो में करना है ये सारे काम मैनेजमेंट प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन आप मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू करते हो जब भी हम फायर वोल का, का यूज़र इंटरफ़ेस लेंगे मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू तो हम मैनेजमेंट प्लेन से ही कनेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग रिपोर्ट जब भी हम कोई निकालेंगे ये मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट है एंड आपका लॉगिंग ये भी आपका मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट ये तीन एक्टिविटीज हैं जो मैनेजमेंट प्लेन करता है इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो गाइस मैनेजमेंट प्लेन करता है जैसे जितने भी डीमंस होते हैं आपके पेलोवेल्टू में यदि पेलोवेल्टू में बहुत सारे डीमंस हैं यदि मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर लू यदि पेलोवल्टू में फिफ्टी डीमंस है तो अराउंड फोर्टी डीमंस की जो प्रोसेस है वो मैनेजमेंट प्लेन पे ही रन होती है मैं उसका एक लास्ट में आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा डायग्राम समझ जाओगे तो जो मेजर डीमंस है वो आपके मैनेजमेंट प्लेन पे काम करे इसका मतलब मैनेजमेंट प्लेन हमारा सारे डीमंस को मेंटेन करता है मैनेज करता है और ये मैनेजमेंट प्लेन आपका लिनक्स एनवायरमेंट होता है ठीक है इसके बाद पेलोवेल्टो के पास होता है डेटा प्लेन तो पेलोवेल्टो ने क्या किया अपने डेटा प्लेन को फर्दर डिवाइड कर दिया थ्री अदर प्लेन्स में नेटवर्क प्रोसेसर सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड सिग्नेचर मैच प्रोसेसर इसने ये डेटा प्लेन को तीन प्रोसेसर में डिवाइड कर दिया ये है आपका नेटवर्क प्रोसेसर ये है आपका सिक्योरिटी प्रोसेसर ये जो सिक्योरिटी प्रोसेसर है इसको हम बोलते हैं डेटा प्लेन सीपीयू सिक्योरिटी प्रोसेसर है डेटा सीपीयू और ये जो होता है ये कंटेंट वाला प्रोसेसर है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर मैच प्रोसेसर ये होता है आपका सिग्नेचर मैच प्रोसेसर अब मैं आपको एक चीज और बता दूं अभी हमने पैलेवल्टू में पढ़ा था इस पैलेवल्टू में हमने स्टेज डिस्कस करी थी ना इंग्रेस स्टेज राइट योर फ्लो लुकअप your slow path your fast path right your app id your content id and egress stage right or forwarding stage so guys ye ye jo palo alto ke andar jo bhi hamare application se related task hote hain app id wo sara kaam aapka signature match process karta hai aapka jo content id hai content id से related सारे टास्क आपका signature match process करता है। मतलब content id में तो आपका आता है antivirus protection एंटी एंटीस्पाइवियर प्रोटेक्शन वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन ये सारे काम सिग्नेचर मैच प्रोसेसर करता है आप याद रखना. आपकी यू आर एल फिल्टरिंग भी सिग्नेचर मैच प्रोसेसर करता है क्योंकि ये सारी जो लेयर सेवन के टास्क होते हैं ना मालवेयर से रिलेटेड प्रोटेक्शन एंटीवायरस एंटी स्पाइवियर वर्नेबिलिटी राइट यो डेटा प्रोटेक्शन फाइल प्रोटेक्शन वाइल्ड फायर फीचर राइट और पैरवेल टू ये सारे काम सिग्नेचर मैच प्रोसेसर के होते हैं इसके अलावा आपका जो भी नेट पॉलिसी लिखी है, अपने, right? में है जो भी सेशन टेबल मेंटेन करनी है राइट right? मुझे राउटिंग टेबल मेंटेन करती है ये सारे काम आपका करता है सिक्योरिटी प्रोसेसर विच डेटा प्लेन सीपीओ तो यदि मैं आपको बोलू आपका इंग्रेस स्टेज का काम आपका फ्लो लुकअप का काम जो भी सेशन टेबल है ये आपका फ्लो लुकअप का काम है वो भी डेटा प्लेन सीपी सिक्योरिटी प्रोसेसर करता है इसके अलावा आपका जो स्लो पाथ है जहां पे हमारा जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल लगता है नेट पॉलिसीज सिक्योरिटी पॉलिसीज राइट राउटिंग ये सारे भी हमारे यही वाला काम करता है सिक्योरिटी प्रोसेसर स्लो पाथ आपका फास्ट पाथ की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपका सिक्योरिटी प्रोसेसर ही करता है और ये फॉरवर्डिंग स्टेज जो होती है ये भी आपका सिक्योरिटी प्रोसेसर का ही पार्ट है तो फिर ये नेटवर्क प्रोसेसर ये क्या करता है तो गाइज नेटवर्क प्रोसेसर को आप सिंपली याद रखना ये एक सेशन ऑफ लोडर है नेटवर्क प्रोसेसर सेफ सेशन ऑफ लोडर है दस सेट मतलब जो सेशन मेरा डेटा प्लेन सीपीयू इसको दे देगा सिर्फ ये उन पैकेट्स को हैंडल करेगा अदरवाइज ये कुछ काम और नहीं करता जो याद रखना ये चीज तो जो आप यदि देख रहे हो यहाँ पे तो मेजर काम हमारा ये इंजन कर रहा सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड ये कर रहा कंटेंट प्रोसेसर राइट और पेलोल्टो ने क्या किया बिकॉज पैलोल्ट ने अपने डेटा प्लेन को इन थ्री प्लेन में डिवाइड कर दिया जिससे क्या हुआ ये जो प्रोसेसर है इनके पास खुद का सीपीयू है इनके पास खुद की रैम है इसके पास भी खुद का सीपीयू है खुद की रैम है इसके पास भी खुद का सीपीयू है एंड खुद की रैम है क्योंकि मेरे पास यदि खुद के रिसोर्सेस हैं मतलब मेरे मैं डिपेंड नहीं मेरा नेटवर्क मेरा ये जो सिग्नेचर मैच प्रोसेसर है वो डिपेंड नहीं करेगा डेटा प्लेन सीपीयू पे या सिक्योरिटी प्रोसेसर पे किसी पैकेट को प्रोसेस करने के लिए राइट मतलब ये पैरेलली तीनों काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सबके रिसोर्सेज हैं सभी प्रोसेसर के डेडिकेटेड टास्क हैं जो करने हैं राइट ऐसा भी हो सकता है आप देखोगे मे बी जैसे मेरे किसी पीसी से तीन पैकेट्स आए किसी फ्लो के लिए मे भी मेरा पहला पैकेट यहाँ हो सकता है दूसरा पैकेट यहाँ हो सकता है तीसरा पैकेट यहाँ हो सकता है राइट right? ये तीनों इंजन में एक ही टाइम पे पैकेट्स को प्रोसेस कर रहे हैं ना तो डेट तो इज पैरल प्रोसेसिंग तो पैलो का जो हार्डवेयर है ना वो हार्डवेयर पैरल प्रोसेसिंग टाइप का हार्डवेयर है और इस इनके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेस है तो ये एक दूसरे पे रिसोर्स लेवल की डिपेंडेंसी नहीं है ये पैरेलली काम कर सकते हैं ठीक है एक तो बेनिफिट ये हो गया अब ये जो डेटा प्लेन होता है हमारा जो भी आपका ट्रैफिक जो भी यूजर्स ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं या जो भी आपके सर्वर्स ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं वो सारा ट्रैफिक आपका डेटा प्लेन हैंडल करता है मतलब ये यूजर्स की मशीन से ट्रैफिक जाएगा या सर्वर से ट्रैफिक जाएगा वो सारा डेटा प्लेन का पार्ट है ये मैनेजमेंट प्लेन सिर्फ आपका कॉन्फिगरेशन रिलेटेड काम करता है डैशसेट ये कोई भी ट्रैफिक हैंडल नहीं करता आपका मैनेजमेंट प्लेन कोई भी ट्रैफिक हैंडल नहीं करता सारा ट्रैफिक आपका डेटा प्लेन हैंडल करता है तो यदि सपोज करो किसी बंदे ने क्या किया एक बंदा कोई हैकर था इंटरनेट पे उसने आपकी आउटसाइड इंटरफेस पे जो कि इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस थी उस पे डीडीओएस अटैक लॉन्च कर दिया उसने ये डीडोस अटैक लॉन्च कर दिया यूजिंग टीसीपी और यूडीपी kind of right? दिया जब जब ये डीडोस अटैक होगा इसका मतलब आपकी डेटा प्लेन की प्रोसेसिंग पे तो इंपैक्ट आएगा ना राइट right? क्या करा इस यूजर ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी मिलियंस में रिक्वेस्ट आ रही है आपके फायरवॉल के पास यदि यदि में में के पास तो ये फायर तो तो हो जाएगा ना तो इस केस में क्या होता है यदि आपका डेटा तो प्लेन आप से लॉग कर सकते हो फायरबॉल में और आप इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इस डी अटैक से प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्लेन सेफ है क्यों क्यों सेफ है क्योंकि इसके पास भी इसकी डेडिकेटेड रैम है डेडिकेट सीपीयू है रिसोर्सेस तो उसने यहाँ के चोक करे ये तो स्टिल फ्री है तो हमें एक तो ये बेनिफिट मिला यदि हमारे एनवायरमेंट में किसी ने डीडोस अटैक कर दिया तो हमारा मैनेजमेंट प्लेन सेफ रहता है हम उससे लॉग इन करके फायर के कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं राइट तो एक तो हमें ये बेनिफिट मिल जाता है दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है पेलोवेल टू तो एक फंक्शनलिटी ऑफर करता है कैसी फंक्शनलिटी ऑफर करता है यदि किसी ने लॉन्च करा है या कोई प्रॉब्लम आ गई आपके डेटा प्लेन में मेरे को आप एक चीज बताना यदि हम किसी और के डिवाइसेस पे काम करते हैं यदि कोई प्रोसेस इस डिवाइस के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रही है और जो वो प्रोसेस है डेटा प्लेन की तो उस केस में हम क्या करेंगे दिस प्रोसेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में गाइस तो मुझे चंद्रेश ने आंसर दिया रिस्टार्टेड राइट right? तो हम क्या उस प्रोसेस को रिस्टार्ट करते हैं कि हमें पूरा बॉक्स को रिस्टार्ट करना पड़ता है सपोज करो आप एफ पे काम कर रहे हो तो एक चीज याद रखना शायद आपको ये चीज पता नहीं है हमें ना यदि कोई प्रोसेस डेटा प्लेन पे सही से काम नहीं कर रही होती तो हमें पूरे डेटा प्लेन को रिस्टार्ट करना होता है जस्ट रिमेम्बर और जो जो भी हमारे अदर बेंडर्स के डिवाइस है उसमें हमें इंटायर बैक बॉक्स को रिबूट करना होता है ठीक है ये हमेशा याद रखना हम वो स्पेसिफिक प्रोसेस को रिस्टार्ट नहीं कर सकते हम प्रोसेस रिस्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन की डेटा प्लेन की नहीं कर पाते तो हमें उस केस में पूरे बॉक्स को ही रिबूट करना पड़ता है रिस्टार्ट करना पड़ता है बट पैलो टू में क्या फंक्शनैलिटी है आप अपने सिर्फ डेटा प्लेन को रिस्टार्ट करा सकते हो आपको पूरा बॉक्स रिस्टार्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक हमें ये बेनिफिट मिल जाता है इसके आर्किटेक्चर की वजह से पहली चीज तो ये पैरल प्रोसेसिंग करता है यदि डॉस अटैक होता है तो हमारा मैनेजमेंट प्लेन सेफ होता है तीसरी चीज यदि हमारे हमको हमारी कोई प्रोसेस काम नहीं करे डेटा प्लेन की तो हम सिर्फ डेटा प्लेन को रिस्टार्ट कर सकते हैं हमें पूरे बॉक्स को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता ठीक है तो एक हमें ये बेनिफिट होता है प्लस इसके जो मैनेजमेंट प्लेन है पेलोवेल्टो का ये लिनक्स का एनवायरमेंट है राइट लिनक्स में जो प्रोसेस चलती है जैसे हमें कोई राउटिंग राउटिंग हमारी सही से नहीं चल पा रही है कोई इश्यूज आ रहे हैं 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 वो पे है, पे है। तो वो हार्डवेयर एंड एंड पे इश्यूज इश्यूज सॉफ्टवेयर तो हम प्रोसेस को रिस्टार्ट कर सकते मैनेजमेंट प्लेन पे बट जब भी मैनेजमेंट प्लेन की कोई प्रोसेस रिस्टार्ट होगी वो आपका डेटा प्लेन को इम्पेक्ट करेगी ही करेगी तो ये चीज हमेशा याद रख लेना यदि आपने राउटिंग की प्रोसेस यहाँ रिस्टार्ट कर दी तो फिर राउटिंग यहाँ पे कैसे काम करेगी राइट वो तो नहीं कर पाएगी ना तो ये चीज याद रखना तो हम ये भी काम कर सकते हैं मैनेजमेंट की कोई भी प्रोसेस को रिस्टार्ट कर सकते हैं इफ एनी प्रोसेस इज मॉल फंक्शनिंग ठीक है तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं इसके पैर प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की वजह से अब एक और डायग्राम है हम इसको डायग्राम को भी देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है यदि आप ये डायग्राम देख रहे हो गे? तो ये है मेरा कंट्रोल प्लेन या इसको हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्लेन मैं नहीं बोलता इसको कंट्रोल प्लेन गाइस की डॉक्यूमेंटेशन बोलती है ये कंट्रोल प्लेन है बट ये कंट्रोल प्लेन नहीं है ये मैनेजमेंट प्लेन है ठीक है मैनेजमेंट प्लेन में एक और प्लेन होता है उसको मैं बोलता हूँ कंट्रोल प्लेन ठीक है वो मैं दिखाऊंगा आपको क्या होता है ठीक है तो ये मैनेजमेंट प्लेन है ये हमारा क्या क्या टास्क करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग इसके पास खुद का रैम है खुद का सीपीयू है खुद की हार्ड डिस्क है और खुद का पोर्ट भी है एक मैनेजमेंट पोर्ट है एक एच ए पोर्ट है यहाँ ये एच ए वन पोर्ट होता है जो कि कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन के लिए होता है ये डेटा प्लेन है ये सिग्नेचर मैच प्रोसेसर ये डेटा प्लेन सीपी और सिक्योरिटी प्रोसेसर देन वी हैसिंग इनके पास भी खुद की रैम और सीपीयूज हैं तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपने अपने टास्क करते हैं एक दूसरे पे रिसोर्स लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है अदर अदर में में क्या है है ये ये चीजें चीजें उन्होंने डिवाइड डिवाइड नहीं नहीं करी हुई है। ये चीजें उनकी डिवाइड नहीं है। वो जो भी उनके पास एक उनके पास जो रैम होगी वो शेयर्ड रैम होगी जो सीपीयू होगा वो शेयर्ड सीपीयू होता है इसलिए ना वो अलग अलग काम नहीं कर पाते उनके पास उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादातर रिसोर्स को लेकर के बट पैलवल्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आई आती क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ही इस तरीके से है ठीक है चलो अब थोड़ा सा और हम एडवांस में घुसते हैं ठीक है तो अब क्या होता है चलो मैं क्या करता हूं ना इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ अब बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि sp3 आप समझ जाओगे तो आपकी आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से चलो ठीक है अब हम क्या करते हैं हम बनाते हैं जैसे ये मेरा फायरबॉल है ये फायरवॉल हुआ राइट ये इसके पास इंटरफेस का स्टैक होता है ये जो इंटरफेस होती हैं यहाँ पे हमें दो टाइप के पोर्ट्स मिल सकते हैं राइट ये इथरनेट वन बाई वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव वन बाई सिक्स वन बाई सेवन एक और है मेरे पे इथरनेट वन बाई एट अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के पोर्ट होते हैं एक होते हैं हमारे पास कॉपर पोर्ट और दूसरे होते हैं हमारे पास फाइबर पोर्ट फाइबर को हम एस एफ पी प्लस भी बोल सकते हैं ये वाले पोर्ट होते हैं राइट या तो कॉपर होंगे या हमारे पास फाइबर होंगे ये मेरा इंटरफेस स्टैक होता है अब ये क्या होता है पेलवेल्टू के अंदर एक चिप होती है यहां पे ये मेरे पास एक चिप है पेलवेल्टू में मेरे पास नहीं पेलोवेल्ट के बाद एक चिप होती है इस चिप का नाम होता है मार्बल चिप तो मार्बल चिप यूज होती है जो भी आपके कॉपर पोर्ट्स होते हैं वो सारे मार्बल चिप से कनेक्ट होते हैं एक और चिप होती है पेलोवेल्टो हो में यहीं पे वो होती है पेट्रा चिप पेट्रा चिप होती है जो उससे सारे आपके फाइबर पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं जो भी एस एफ पी प्लस पोर्ट्स होते हैं वो पेट्रा चिप से कनेक्ट होते हैं जो कॉपर पोर्ट्स होते हैं वो मार्बल चिप से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से ये सारी इंटरफेसेस कनेक्टेड रहती हैं डायरेक्टली विद दिस पर्टिकुलर चिप ठीक है ये मार्बल और पेट्रा चिप हो गई इसके बाद पैलोल टू फायर एक और चिप होती है जिसका नाम होता है लाइगर और जो हाई एंड बॉक्स होते हैं उसमें होती है टाइगर ठीक है इस तरीके से अब ये लाइगर कहां पे होगी जो गाइस लो एंड बॉक्सेस होते हैं पैलोवेल्टो के उनमें लाइगर चिप होती है जो हाई एंड बॉक्सेस होते हैं उसमें आपको टाइगर चिप मिलती है और ये जो होता है ये होता है आपका नेटवर्क प्रोसेसर और इसको हम बोल सकते हैं सेशन भी हमारा नेटवर्क प्रोसेसर क्या कर सकता है इट कैन एबल टू प्रोसेस योर पैकेट एट लेयर थ्री एट लेयर फोर एंड एट लेयर टू लेयर टू से लेकर लेयर फोर तक के पैकेट्स को यह प्रोसेस कर सकता है ठीक है इसके बाद पैलोवेल्टो तो फायरवॉल एक और चिप होती है जो कि ये है जो कि मेन चिप होती है फायर की। इस चिप का नाम होता है ऑक्टियन चिप. चिप इस चिप को हम बोलते हैं डेटा प्लेन सीपीयू ये है पेलोअल्टो का एक्चुअल डेटा प्लेन सीपीयू डीपी सीपीयू। ठीक है और नेटवर्क प्रोसेसर इसका नाम है ये एफपीजीए होता है गाइज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट वे एरे ये एक एफ पी एफ एफ पी जी ए टाइप की चिप होती है ठीक है जो कि आपकी लेयर टू लेयर फोर लेयर टू लेयर फोर तक की प्रोसेसिंग कर सकती है ये ऑक्टियन चिप है पेलोवेल्टू में अब ये लाइगर चिप ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है ऑक्टियन चिप से इसको हम डेटा प्लेन सीपी भी बोलते हैं अब ये डेटा प्लेन सीपी एक और चिप है पेलोवेल्टू के अंदर जिससे कनेक्ट होती है उसका नाम है तो जो लो एंड बॉक्स होते हैं उसमें होती थी इस चिप का नाम था ऑसिलोट और जो हाई एंड बॉक्सेस हैं आजकल इनमें नाम है इस चिप का जेगवार आपको जेगवार दिखेगी बहुत सारे बॉक्सेस में ऑसिलॉट बहुत पहले यूज करते थे ये लोग इसको हम बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम सिग्नेचर मैच प्रोसेसर सिग्नेचर मैच प्रोसेसर ये भी हमारा एक एफ होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट वे चलो ठीक है अब क्या होता है ये इस तरीके से कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से तो गाइज हमेशा याद रखना अब इस डायग्राम को हम बोलते क्या है ये जो है ये यहां से लेके यहां तक इस डायग्राम को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम और ये पैलोवल्टू में जो भी अभी कोई पैकेट आता है तो ये पैकेट इसी पाथ से जाता है इसलिए इसको बोलते हैं डेटा पाथ ये है पैलोवल्टू का डेटा पाथ मतलब आपका पैकेट यहां से आएगा फिर मालवर में जाएगा या पेट्रा में जाएगा फिर लाइगर या टाइगर में जाएगा फिर ऑक्टियोन में जाएगा फिर ओसी लॉट में जाएगा या जैकवार में फिर पैकेट ऐसे रिटर्न होके निकल जाएगा इंटरफेस से तो ये पैकेट का डेटा पाथ होता है अब ये पाथ हम समझ क्यों रहे हैं ये पाथ हम इसलिए समझ रहे हैं यदि आपके फायरबॉल के अंदर कोई हार्डवेयर लेवल पे इश्यूज हैं यहाँ पे पैकेट ड्रॉप हुआ यहाँ पे मतलब चिप लेवल पे कोई इश्यूज हैं अब वो कैसे रिजोल्व करोगे आपको पता भी तो होना चाहिए ना हमें कहाँ पे क्या लॉक चेक करने हैं राइट तो इसलिए हम ये चीज समझ रहे हैं अब अब आप एक चीज हमेशा याद रखना ये जो डेटा प्लेन सीपी होता है या ऑक्टीन चिप होती है तो जो भी आपके पैकेट जो इंग्रेस पैकेट्स होते हैं इंग्रेस स्टेज तो मींस आपके पैकेट की प्रोसेसिंग यहीं से शुरू होती है डेटा प्लेन सीपीयू से इंग्रेस स्टेज इसके बाद आपका जो फ्लो लुकअप मतलब जो सेशन टेबल होती है फायरबॉल के अंदर सेशन टेबल का पूरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑक्टियन चिप करती है जस्ट रिमेंबर इसके बाद ये स्लो पाथ स्लो पाथ में जो हमारी नेट की पॉलिसीज होती हैं जो राउटिंग होती है राइट जो, right? जो एस जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है ये सारा हमारा चिप का ही काम है स्लो पाथ के सारे काम ऑक्टियन चिप ही करती है प्लस ये फास्ट पाथ फास्ट पाथ का सारा काम हमारा चिप करती है। इसके अलावा ये जो एप आईडी का काम है और ये जो ये जो हमारा कंटेंट आईडी का काम है कंटेंट आईडी डी विच इज योर यू आर एल फिल्टरिंग एंटीवायरस प्रोटेक्शन एंटी स्पाइवर प्रोटेक्शन वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन राइट ये हमारा काम करती है जगवा चिप जब ये काम हो जाता है इसके बाद जो फिफ्थ नंबर का जो सेवन नंबर का टास्क है फॉरवर्डिंग ये भी हमारा ऑक्टियन चिप का काम है तो ऑक्टियन चिप के गाइस काम समझ में आ गए क्या होते हैं ऑक्टियन चिप ये सारे काम ऑक्टियन चिप करती है पेलोवल्टो के अंदर और जेगवॉर चिप आपकी ये सारे काम करती है अब जेगवार चिप ये काम कैसे करती है तो जैगवार चिप में गाइस आपको याद रखना है इसके पास होता है जो एप्लीकेशन जो एप आई डी से रिलेटेड टास्क होते हैं वो सारे टास्क करती है जैगवार चिप, चिप के ऊपर वो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन कराती है मतलब कोई पैकेट आया वो किस एप्लीकेशन से बिलोंग करता है जैसे मेरे केस में आप देख रहे थे जब ये सेशन हम कर रहे थे इसमें ये पता चला ना एप्लीकेशन एनी डेक्स कैसे पता चला ये हमें काम करके दिया जैगवार चिप ने उसके ऊपर डीएफए एल्गोरिथम चलती है अब ये कंटेंट आईडी के काम जैसे किसी पैकेट में वायरस है या कोई माल है वो कैसे पता चलेगा तो वो काम करता है आपका जैगवार चिप के अंदर एक एल्गोरिथम चलती है एएचओ आजकल एएचओ रिप्लेस हो गई है पीएस स्कैन से

VMs पे इसका सेग्रीगेशन होता है सॉफ्टवेयर लेवल पे ठीक है और उस समय बीएम्स में तो पास जैगवार चिप नहीं होती ना उस समय ये आपकी ए एच डीएफएल ये रन होती हैं जो कि एप आईडी कंटेंट आई के सारे काम करती हैं ठीक है थीके? तो ये हमारी वर्किंग है इन चिप्स की अब ये नेटवर्क प्रोसेसर क्या काम करता है तो नेटवर्क प्रोसेसर का मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या हुआ जैसे आपके पास क्या हुआ आप, आपके पास सारे पैकेट सारे एस टी टीपीएस के पैकेट सारे मनक्रिप्टेडेड डेटा आ रहा है अब डेटा यहाँ तो ये यह प्रोसेस करती है ये चिप ये चिप आपका लेयर टू पे प्रोसेस करेगी लेयर थ्री पे लेयर फोर पे लेयर सेवन के सारे टास्क तो ये करती है राइट अब यहाँ पे जब ये लेयर सेवन का डेटा गया जो कि इनक्रिप्टेड था तो उस डेटा पे भी ये क्या कर पाएगी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि डेटा तो इनक्रिप्टेड है तो आप मेरे को एक चीज बताना हमें ये इनक्रिप्टेड डेटा बार पे बार यहाँ भेजना चाहिए भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए Guys, हम तो अननेसे यदि भेजेंगे तो अननेसरी लोड डाल रहे उस चिप पे राइट तो वो भेजने का कोई सेंस नहीं बनता ना क्योंकि हम तो डिक्रिप्ट कर ही नहीं रहे ना यदि हम पैकेट डिक्रिप्ट कर नहीं रहे फायरबॉल पे और हम इनक्रिप्टेड डेटा भेजे जा रहे तो क्या होता है ना ऐसे केस में ये चिप क्या करती है कुछ पैकेट्स को जब ये रिसीव करेगी चार पांच पैकेट्स देखेगी इनक्रिप्टेड है सारे तो ये उस सेशन को लिख देगी लेयर सेवन कंप्लीट लेयर सेवन कंप्लीट मींस इस पैकेट्स की मैंने लेयर सेवन कर दिया जब ये लेयर सेवन कंप्लीट फ्लैग उस सेशन पे ऐड हो जाएगा तो ये भी क्योंकि सेशन तो मैनेज ये कर रही है या ये पता चला अच्छा इसकी तो हो तो कंप्लीट वो सेशन ये यहां पे दे देगी दे लाइगर और टाइगर को क्योंकि लाइगर टाइगर भी लेयर थ्री लेयर फोर तक तो कर ही सकती है ना प्रोसेसिंग राइट तो ये पैकेट फिर आएंगे बाकी के पैकेट यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे मतलब हम लोड यहाँ से भी घटा रहे हैं यहाँ से भी घटा रहे हैं मतलब सेशन ऑफ लोड कर दिया हमने इस तरीके से आपका नेटवर्क प्रोसेसर इट कैन एबल टू डू इट कैन एबल टू डू योर स्लो पाथ टास्क बट हम ये कराते नहीं है हम ना जो ऑफलोडेड सेशन है ये सिर्फ उनको करता है उनपे नेट नेट अप्लाई करना है तो अप्लाई कर देगा क्योंकि मुझे पता है ना मेरे रूल में आप देख रहे हो यहाँ पे इसने जैसे अभी देख रहे हो इसने लिखा है ना ये ये फ्लैग एड हो जाता है सेशन के साथ लेयर लेवन कंप्लीट लेयर सेवन कंप्लीट मीन्स अब मुझे इस पैकेट को भेजना नहीं है आपके वर्चुअल डिवाइसेस पे तो होगा नहीं ये ऑफलोडिंग क्योंकि आपकी ऑफलोडिंग है ना हार्डवेयर डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं वो भी स्पेसिफिक मॉडल नंबर ऑफ योर पैलोवल्टू दे ओनली सपोर्ट एस एस एल ऑफलोडिंग और सेशन ऑफलोडिंग एस एस एल ऑफलोडिंग हर जगह होगी सेशन ऑफलोडिंग पेलवेल्टू के कुछ ही मॉडल सपोर्ट करते हैं और वो कौन से मॉडल है वो सपोर्ट करते हैं जिसपे आपका नेटवर्क प्रोसेसर होता है क्योंकि ये प्रोसेसर हर मॉडल पे नहीं है ये चीज आप याद रखना हर मॉडल के पास ये प्रोसेसर नहीं होता नेटवर्क प्रोसेसर यदि मैं बात करूं आपके पास टू हंड्रेड सीरीज का बॉक्स टू हंड्रेड सीरीज बॉक्स के पास सिर्फ ये चिप है उसके पास ना ये है ना ये है ना ये है आपका यदि मैं एट हंड्रेड सीरीज के बॉक्स की बात करूं उसके पास ये भी नहीं है ये भी नहीं है उसके पास भी सिर्फ ये है ना ये है एट हंड्रेड और यदि मैं 3200 सीरीज की बात करूं उसके पास ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ठीक है तो ये हर मॉडल का आर्किटेक्चर अलग अलग है पहलो में ये चीज आप भूल ना मत कभी भी बट एक ना हम जर्नल पढ़ते हैं हमेशा राइट कि ये चीजें होती हैं पहलो में पता नहीं वो किस मॉडल पे कब क्या इंट्रोड्यूस कर देना राइट अब तो अभी हमने जब ये हमें आर्किटेक्चर पता चल गया राइट हमें प्रोसेसिंग पता चल गई तो अब हम क्या करते हैं अब हम ना हम पेलोवल्टू का एक और मैं डायग्राम ओपन करता हूं एसपीटीसी से रिलेटेड ये वाला ये वाला नहीं है चलो ये वाली ही देख लेते हैं इस पे भी इंफॉर्मेशन है ठीक है तो अभी आप यदि यहाँ पे देख रहे हो ये एक मैंने डायग्राम लिया है इंटरनेट से कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन तो इसमें जैसे ये देख रहे हो आपको ये है कंट्रोल प्लेन जो कि है हमारा मैनेजमेंट प्लेन ठीक है ये डेटा प्लेन जिसको हम बोलते हैं डीपी इस पे एक तो सिग्नेचर मैच प्रोसेसर हुआ इसके बाद डेडिकेटेड रैम है सीपीयू भी होता है यहाँ पे ठीक है अब ये मत बोलना कि सीपीयू कहाँ पे है डिनोट नहीं करा बट होता है सीपीयू ठीक है ये हमारे जो ये हमारे यहाँ पे हमारा होता है मल्टी कोर सीपीयू ये जो चिप है ना ये डेडिकेटेड चिप बनाई जाती है पेलो एल्टू के इन चिप को बनाता कौन है इंटेल एक ही कंपनी जो चिप्स बनाती है वो इंटेल बट ये चिप बनाई गई है पेलो के अकॉर्डिंगली ये बाइट बॉक्स ये जनरली बाइट बॉक्स चिप्स होती हैं जो कि की पेलवेल्टो के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं राइट तो ये जो ऑक्टियन चिप है ना यहाँ पे ये ये ऑक्टियन चिप आपको पैलोवल्टो पे मिलेगी क्योंकि ये के लिए स्पेशली डिजाइन करी है इंटेल ने ये जेगवार चिप है ये पेलोवेल्टू में मिलेगी क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन करी है इसके लिए ठीक है तो इस तरीके से इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिवाइड होता है थ्री अनदर प्लेन्स में और ये सारे काम कर लेते हैं अलग अलग यहां पे आपको देखेगा ये मल्टी कोर सीपीयू होते हैं यहां पे ये मल्टी कोर सीपीयू होता है मतलब ये सीपीयू जैसे ये सिक्सटीन कोर का सीपीयू मतलब ये सिक्सटीन पैकेट्स को एक बार में प्रोसेस कर सकता है और यहां पे भी हमारा मैनेजमेंट प्लेन है वहां पे भी हमारे पे मल्टी कोर सीपीयू बट ये जो सीपीए होता, होता है ये इंटेल का नॉर्मल सीपी होता है ये ऑक्टियन चिप जैसा नहीं है जैसे यहाँ पे chip है ये management plane में normal Intel का CPUs होते एस एस डी होती है इसके पास ठीक है ये हो गया अब एक और डायग्राम मेरे पास फाइव थाउजेंड सीरीज बॉक्स का वो मैं देखता हूँ शायद टॉप पे होगा कहीं यहां पे नहीं है क्योंकि वो वाले डायग्राम पे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ओके okay, ये वाला यदि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे ये ये एल्टो के फाइव थाउजेंड सीरीज बॉक्स का है जो कि हाई एंड बॉक्स होते हैं डेटा सेंटर पे अब इनके थ्रोपुट ज्यादा क्यों होते हैं क्योंकि यदि आप डायग्राम में यहां पे देख पा रहे हो के, इसके पास क्या है इसके पास यहाँ पे तीन ऑक्टियन चिप एक तो ये हो गया डी पी जीरो दो जेगवार चिप हैं। जेगवॉर वन एंड जेगवर टू राइट इसका मतलब ये ज्यादा पैकेट्स को प्रोसेस करेंगे आजकल जो फिफ्टी टू हंड्रेड सीरीज के बॉक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे उनके पास फोर्टी एट कोर के CPUs होते हैं वेरी वेरी ये ये जो हमारे बॉक्स है, हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑक्टियन चिप योर नेटवर्क प्रोसेसर विच हैविंग टाइगर चिप योर सिग्नेचर मैच प्रोसेसर विच इजवार चिप तो इस तरीके से इन बॉक्स का गाइज आर्किटेक्चर होता है हमारे पहलो अल्टो के अंदर तो ये है हमारा पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एक चीज और याद रखना जो आपकी पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है वो आपके हाई एंड बॉक्सेस पे अप्लाई होता है जैसे इन बॉक्स पे क्योंकि इनके पास मल्टीपल सीपीओज होते हैं मे भी क्या हुआ यदि किसी यूजर से पैकेट्स आया मे भी पैकेट नंबर वन यहाँ पे है पैकेट टू यहाँ पे है पैकेट थ्री यहाँ पे मतलब तीन पैकेट्स आए किसी सेशन के तीनों पैकेट्स ये सीपीयूज हैंडल कर रहे हैं एट द सेम टाइम राइट में भी क्या हुआ हमारे पैकेट आया इस वाले सीपीयू के बाद भी सीपीयू वन हैंडल कर रहा पैकेट नंबर वन को टू हैंडल कर रहा पैकेट नंबर टू को थ्री हैंडल कर रहा पैकेट नंबर थ्री को तो मतलब तीनों पैकेट की पैरल प्रोसेसिंग हो रही है राइट right? इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर ठीक है चलो तो ये हमारा हो गया पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है और ये अब हम ये समझते हैं इसका सिंगल पास आर्किटेक्चर क्या है और सिंगल पास सॉफ्टवेयर क्या है चलो अब सिंगल पास सॉफ्टवेयर देख लेते हैं जैसे ये है सिंगल पास सॉफ्टवेयर अब सिंगल पास सॉफ्टवेयर में हम समझते हैं ये होता क्या है तो आप एक चीज याद रखना आपका जो सिंगल पास सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है कंटेंट इंजन पे जब पैकेट आपका कंटेंट आईडी के पास जाएगा तब ये सिंगल पास सॉफ्टवेयर अप्लाई होता है पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है सारे पैकेट्स पे ठीक है ये हार्डवेयर लेवल पे बस सॉफ्टवेयर लेवल पे ये कंटेंट इंजन का पार्ट है जो आपका एसपी थ्री ट्रिगर होता है Content engine को इसको हम बोलते हैं CTD engine as well, content threat detection. तो क्या 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 होता है अब जैसे अब मैं आपको एक चीज में क्या -क्या आता राइट एवी प्रोटेक्शन एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपका एंटी स्पाइबर प्रोटेक्शन आता है आपका वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन आता है यहीं पे राइट right? आपका यू आर एल फिल्टरिंग आता है कंटेंट इंजन में ये सारे लेयर फीचर्स हैं गाइस आपका डेटा प्रोटेक्शन भी यहीं पे आता है जैसे हमें कोई डेटा प्रोटेक्ट करना है डीएलपी वगैरह तो डेटा प्रोटेक्शन भी यहीं पे आता है हमारी फाइल पॉलिसी जैसे हमें फाइल की ब्लॉकिंग वगैरह करनी है राइट फाइल प्रोटेक्शन भी यहीं पे आता है जै... हमें रियल टाइम जैसे या से करने के लिए में फायर फीचर है सारे कंटेंट इंजन का पार्ट है तो अब क्या हो मतलब कंटेंट इंजन में ये जो सारे हमारे लेयर सेवन प्रोटेक्शन से है और ये लेयर सेवन प्रोटेक्शन प्रोफाइल है ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को किसी वायरस से या मालवियर से इनके पास होता है सिग्नेचर डेटाबेस क्या होता है इनके पास होता है सिग्नेचर डेटाबेस तो ये सिग्नेचर डेटाबेस के बेसिस पे काम करते हैं तो क्या होता है यदि आपने देखा होगा जेग्वार चिप का आर्किटेक्चर उसमें रैम थी राइट तो क्या होता है जब पेलोवल टू फायरबॉल ये पैकेट जेगवर चिप को देता है तो चैक चिप क्या करती है इस पैकेट को रैम में स्टोर करती है तो जैसे इस तरीके से क्या हुआ मेरा डायग्राम है मैंने क्या किया ये जो रैम है मैंने मेरे पास लेयर सेवन पैकेट आया मैंने उस पैकेट को इस रैम के मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर दिया ये मेमोरी एड्रेस है यहां पे मैंने उस पैकेट को स्टोर कर दिया इन माय रैम राइट अब क्या है ये रैम में पैकेट स्टोर हो गया अब मेरे पास एंटीवायरस एंटी, एंटी प्रोटेक्शन के डेटाबेस है तो यहाँ पे मेरे पास एंटीवायरस प्रोटेक्शन का डेटाबेस है सिग्नेचर है यहाँ पे मेरे पास एंटी स्पाइवेयर के सिग्नेचर्स है यहाँ पे मेरे पास वर्नेबिलिटी प्रोटेक्शन के सिग्नेचर है यहाँ पे मैं यू फिल्टरिंग का कर रहा हूँ राइट तो उसकी मेरे पास कैश वगैरह है यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन वगैरह के मेरे पास सिग्नेचर्स हैं, यहाँ पे फाइल पॉलिसीज के सिग्नेचर्स हैं मेरे पास यहाँ पे वाइल्ड फायर के सिग्नेचर्स हैं पास राइट ये सारे सिग्नेचर्स मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ राइट ये सारे इंजन में तो मेरा कंटेंट इंजन क्या करेगा वो इस पैकेट से ये जो पैकेट स्टोर हुआ था इस पैकेट को यहाँ भी भेजेगा ये सारे क्या इस पैकेट को ना इन डेटाबेस से मैच करेगा एट द सेम टाइम यहाँ भी मैच करेगा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, भी इसने सभी से स्ट्रीम लाइन में मैच कर लिया सारे सिग्नेचर्स इसने पार्स करा दिया इस पैकेट को ये सारे सिग्नेचर्स से इसके बाद क्या हुआ जो रिजल्ट आया वो इसने नोट कर लिया इस पैकेट को आगे भेज दिया मतलब कि हमारे पैकेट की प्रोसेसिंग एक बार में हो गई ना राइट right? मैंने लोड किया पैकेट को और उसके एक बार में प्रोसेस कर दिए सभी सिग्नेचर से स्ट्रीमलाइन स्ट्रीम लाइन में राइट right? और मैंने जो रिजल्ट था वो मैंने बता दिया यदि इसमें कोई माल वायरस होगा तो मैं बता दूंगा डाल देगी और जो भी पैकेट आएंगे हाँ, उनको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगी राइट एक लॉग जनरेट कर देगी आपको कि दिखा देगी कि ये भाई मालवेयर इस पैकेट में डिटेक्ट हुआ तो ये होता है आपका सिंगल पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपका पैकेट रैम में स्टोर हुआ और एक बार में इन सारे सिग्नेचर से मैच करके निकल गया That is your single -pass software. अब ये single -pass software आया कैसे तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम ना एक चीज और डिस्कस करते हैं पास आर्किटेक्चर क्या होता है ये तो सिंगल पास आर्किटेक्चर था पैलोवेल्टो का अब हम देखते हैं पास आर्किटेक्चर क्या होता है तो मल्टीपास आर्किटेक्चर के लिए हम क्या करेंगे एक डायग्राम है मेरे पास ये, ये जो मेरे पास अदर बेंडर्स के बॉल्स होते थे जैसे कि ये, क्या हुआ? ये हमारा ए एस ए फायर बॉल है आई मेरा आईपीएस इंजन है ठीक है ये मेरे पास आईपीएस सिस्को का है ये मेरे पास सिस्को की प्रॉक्सी है, है मैं यहाँ पे कलर ब्लैक यूज कर लेता हूँ ये मेरे पास ए एस ए हुआ ये आई हुआ

आईपीएस पे आएगा ये भी लेयर टू लेवन पे पहुंचेगा यहाँ भी लेयर टू लेवन यहाँ पे भी लेयर टू लेर सेवन पे गया तो अब देख रहे हो ये ले प्रोसेसिंग बार पे बार रिपीट हो रही है ना इस केस में राइट बोलते हैं मल्टीपास आर्किटेक्चर क्योंकि जब भी ये रिपीट होंगी प्रोसेस इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग डिले आएगा

ये चीज बार पे बार रिपीट हो रही ना ये रिपीट होगी इसका मतलब प्रोसेसिंग डिले आएगा तो वही चीज है कि पैलोवल्टो में ये होता नहीं है क्योंकि पेलोवल्टो डायरेक्ट प्रोसेस करता है तो इसलिए पेलोवल्टो का आर्किटेक्चर है वो सिंगल पास आर्किटेक्चर है और इन बाकी ये जो बैंडर है इनका जो आर्किटेक्चर है वो पैरलर प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर है गाइस ठीक है चलो ये भी हो गया अब हम क्या करते हैं अब ना हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका इनिशियल जो पैकेट फ्लो है ना ये ये वैसे भी मैं आपकी क्लास में नहीं कराता मुझे चाहिए डेढ़ घंटे कम से कम तो इसका मैं क्या करता हूँ ये आपके जो बट लास्ट में जो टी सूट की सेशन होंगे ना उस पर मैं कवर करूंगा पैकेट फ्लो डिटेल में इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दूंगा इस हफ्ते वो आप देखना पैकेट फ्लो के लिए तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी